गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स क्लास सिक्स इंग्लिश ग्रामर टूडे विल स्टार्ट विद चैप्टर थ्री दैट इज एडजेक्टिव्स एज यू ऑल नो एडजेक्टिव्स को हिंदी में कहते हैं विशेषण इस येलो बॉक्स के डेफिनेशन को पढ़िए एंड एडजेक्टिव टेल्स इज मोर अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन यानी अगर हम विशेषण की बात करें तो जो शब्द संज्ञा यानी नाउन और सर्वनाम यानी प्रोनाउन यानी जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उन शब्दों को विशेषण कहते हैं तो यहाँ पे सिमिलरली वैसा ही दिया है एन एडजेक्टिव टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन यानी किसी नाउन और प्रोनाउन को और अच्छा डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव्स। चलिए हम आज इस चैप्टर को एक बार रिवाइज करते हैं क्योंकि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी इस टॉपिक के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है नाउ हियर इज एन एग्जाम्पल गिवन वी कैन रीड आई बॉट सम डेकोरेशंस अ बुके ऑफ फाइव रेड रोजेस एंड दैट पेन एट द मार्केट फॉर माय बर्थडे व्हाट आइटम डिड यू लाइक बेस्ट ये एक सेंटेंस है जिसमें जो नरेटर है वो कह रहा है कि मैं कुछ डेकोरेशंस की जो होती ना आइटम्स हम जैसे बर्थडे है यहाँ मैंशनड है तो उसमें डेकोरेशन के लिए जो सामान चाहिए कुछ वो लेकर आया एक बूके लाया जिसमें फ़ाइव रेड रोजेस थे यानी एक बूके जिस जो फाइव रेड रोजेस का बना हुआ है वो पेन लेकर आया जो मार्केट में शायद अभी लेटेस्ट चल रहा है अपने बर्थडे के लिए इनमें से तुम्हें क्या चीज़ अच्छी लगी <coughs> यहाँ जो ये ब्लू वर्ड्स हाईलाइटेड हैं ये बता रहे हैं कि ये किस टाइप के एडजेक्टिव हैं सो विद दिस एग्जाम्पल वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वॉट टाइप ऑफ एडजेक्टिव दे आर टॉकिंग अबाउट पहला है जो वर्ड है सम दैट इज टॉकिंग अबाउट एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी ये क्वान्टिटी की बात कर रहा है हमें स्पेसिफिक क्वान्टिटी का नहीं पता कि कितनी चीज़ें डेकोरेशन की आई हैं बट सम अब सम में कोई भी क्वांटिटी ऑफ नंबर हो सकता है वी आर नॉट श्योर बट इस तरह के वर्ड को हम डिनोट करेंगे एज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जो सेकेंड वर्ड था रेड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी यहाँ रोज़ की क्वालिटी बताई है कि उसका कलर रेड है थर्ड है पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है माय। माय इसी लिए है क्योंकि ये जो सारा सामान लाया गया है वो मेरे बर्थडे के लिए है यानी माय बर्थडे पर्टिकुलरली किसी पर्सन को डिनोट किया जा रहा है कि उसके बर्थडे के लिए ये सब कुछ किया गया है जो हमने बुके में देखे फाइव फ्रेड रोजेज हैं तो फाइव यहाँ एग्जैक्ट नंबर दिया है सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर दैट पेन कोई स्पेसिफिक पेन की बात हो रही है यानी वो वाला पेन दैट पेन सो दिस इज़ टर्म्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे हम दिस पेन या डार्क पेन कह सकते हैं दे बोथ आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वॉट वॉट हम सब जानते हैं एक क्वेश्चन को रेफर करता है सो दिस इज एज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव अब हम वापस देखते हैं एक एक्सरसाइज जिसकी हेल्प से हम इन एडजेक्टिव को और ज़्यादा बेटर समझें Read these sentences and write the highlighted adjectives in the correct column in the table that follows. six sentences on page number seventeen and 18. we will read out and the highlighted words we have to identify which type of adjective it is and place it in the concern table. फर्स्ट सेंटेंस हमारा दैट इज अ टॉल ट्री नाउ यहाँ जो ट्री की विशेषता यानी जो एडजेक्टिव उसको एक्सप्रेस कर रहा है वो है एड्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी तो हमने क्वालिटी की टेबल में हमारा जो वर्ड है टॉल मेंशन किया है आ सेकेंड वर्ड इज दैट हाउस इज आस वो घर हमारा है दैट मीन्स इट इज डेमोन्स्ट्रेटिंग हमें बता रहा है कि वो घर हमारा है शीन इज माई फ्रेंड शीन मेरा फ्रेंड है दैट इज पॉजिटिवनेस सो द वर्ड माई कम्स अंडर द टेबल हैविंग हेडिंग पॉजिटिव आई हैव सम मनी विथ मी अगेन द वर्ड सम कम्स फॉर क्वान्टिटी अब एग्जैक्ट नंबर हमें फिगर नहीं पता कि कितने पैसे हैं बट कुछ पैसे हैं सम मनी ट है सो इट इज एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव सिमरन वॉन द फर्स्ट प्राइज सिमरन को पहला प्राइज मिला यानी यहाँ पे रैंक की बात हो रही है कौन सा प्राइज मिला फर्स्ट प्राइज सो इट विल कम अंडर द कॉलम ऑफ नंबर आई होप दिवाइज एडजेक्टिव ऑफ दिस टेबल

आई ड्रैंक ऑल द मिल्क नाउ द थर्ड वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट टू अ पर्टिकुलर नाउन किसी पर्टिकुलर नाउन की तरफ पॉइंट आउट करके जो वर्ड यूज होता है दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिवस एग्जाम्पल दिस दैट दीज दो आई क्रिएटेड दैट ऐप माई सेल्फ जो आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स होते हैं तो यहाँ बताया है कि वो जो एप ऐप है वो मैंने क्रिएट किया है द फोर्थ वन इज़ पॉजिसिव एब्जेक्टिव आई यूज़ टू इंडिकेट हु और वॉट ओन समिंग यानी कोई पर्टिकुलर चीज़ या इंसान किसका है ओके सो इट इंक्लूड्स माई योर हेज हर आर एंड इट्स एग्जाम्पल आर कज़न विल विजिट आस नेक्स्ट वीक हमारे घर नेक्स्ट वीक कौन विजिट करने आएगा हमारे कजन्स वो हमारे कजन्स हैं

Shubra participated in four racing events this year. Yani usne jo racing events we, unme se four racing events mein part liya. So this was the way we have understood the types of adjectives. Now let's revise them with certain examples in the form of this exercise. Underline the adjectives in the sentences and state their types. Now one sentence can have more than one adjectives. यानी एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव हो सकते हैं बट फॉर अ टाइम बिंग हम इसमें सिर्फ एक एडजेक्टिव को अंडरलाइन करेंगे और वो किस टाइप का है उसे हम इस तरह से यहाँ ब्लैंक्स में मेंशन करेंगे यू रीड सेंटेंस जैसे फर्स्ट वाला द टू वाइट कार्स पार्कड आउटसाइड आर माइन अब यहाँ पे नंबर भी है कि कितनी कार्स हैं टू कार की क्वालिटी है कि वो वाइट कलर की हैं यानी जो दो वाइट कार पार्क की हुई है बाहर वो मेरी हैं तो माइन यहाँ पॉजिटिव भी है बट हमने एट फॉर अ टाइम भी जैसे मैंने कहा सिर्फ एक एडजेक्टिव अंडरलाइन करेंगे तो मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है वाइट कार इट इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ये ए डी जे मैंने एडजेक्टिव का शॉर्ट फॉर्म लिखा है बिकॉज ब्लैंक में इतनी स्पेस नहीं है कि मैं पूरा लिखूं बट एग्जामिनेशन टाइम में आप एडजेक्टिव वर्ड को पूरा मेंशन करेंगे ओके दीज आर द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस आप एग्जाम्पल देखिए सेकंड, जैसे माई सन तो माय यहाँ हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव, ओके दोज चिल्ड्रेन दोज हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव समर ड्राइंग सम जूस सो सम इज हियर द क्वान्टिटी ईच पर्सन शूड कंट्रीब्यूट सम मनी टू द फंड अब यहाँ पर ऐच पर्सन जो कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही यानी जितने भी पर्सन मौजूद हैं पर्टिकुलर जिस जगह की बात हो रही है इट कैन भी एनी नंबर टेन ट्वेंटी थर्टी फॉर एग्जाम्पल क्लास में अगर थर्टी फाइव स्टूडेंट्स हैं तो टीचर बार बार एक एक बच्चे को सेम इंस्ट्रक्शन नहीं देंगी मैम यही कहेंगी एज पर्सन यानि जितने भी लोग हैं सो इट इज़ denoted as adjective of number the second next sentence have the delicious pie that is the quality again shady tree that is the quality and the last sentence which we have here is which student got an a for the presentation on the panchatantra that is an interrogative it's very simple when you have a question mark it's easy for us to understand that it is an interrogative adjective अनदर एक्सरसाइज ऑन पेज नाइनटीन फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रियट एडजेक्टिव शी पिक्ड द फर्स्ट ड्रेस शी सो यह ब्रैकेट में यू हैव टू ऑप्शन गिवेन यू हैव टू चूज द अप्रोप्रिएट यानी जो सेंटेंस के साथ बेस्ट सुटेबल एडजेक्टिव है हमें वो चूज कर के ब्लैंक में लिखना है दीज आर द आंसर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज

First word is cardinals. Cardinals denote an exact number. For example, there are fifty students in the class. Yi specific number de hai. it is termed as cardinals. Second we'll go with ordinals denote a rank, an order or a position. For example, the last girl in the queue is Deepa. यानी लाइन में जो लास्ट गर्ल खड़ी है उसका नाम है दीपा हरीश वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट टू कम्प्लीट द एग्जाम क्लासरूम में जितने बच्चे बैठे हैं उनमें से हरीश इज द फर्स्ट वन टू कम्प्लीट द एग्जाम दैट मीन्स यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर यूज हो रहे हैं इट इज डिनोटिंग अ रैंक एंड ऑर्डर और अ पोजिशन थर्ड वन वी हैव द इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स डो नोट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर यानि ये हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते जैसे हमने एग्ज़ाम्पल्स पहले भी रीड किए अगेन वी हैव अनादर एग्जाम्पल देर व मनी ड्रेसेस एट द शॉप शॉप में बहुत सारी ड्रेसेस थे लेकिन यहाँ हमें किसी स्पेसिफिक नंबर की आइडिया नहीं है आई सॉ सम चिल्ड्रन फ्राम माई कॉलोनी एट द पार्टी जब मैं किसी पार्टी में गई वहाँ मैंने अपने ही कॉलोनी के कुछ बच्चों को देखा कितने बच्चों को देखा ये स्पेसिफिक नंबर मेंशन नहीं है नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स रेफर टू ईच वन ऑफ अ नंबर फॉर एग्जांपल ईच चाइल्ड वाज आज टू मेक अ पेंटिंग जैसे हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस था देर आर फिफ्टी स्टूडेंट्स इन द क्लास एक क्लासरूम में अगर फिफ्टी स्टूडेंट्स हैं और टीचर ने इंस्ट्रक्शन दी है कि ईच चाइल्ड वॉज आज टू मेक अ पेंटिंग यानी क्लास में जितने भी बच्चे हैं इफ़ वी हैव फिफ्टी स्टूडेंट्स इन द क्लास ईच वन वॉज आज टू मेक अ पेंटिंग हर बच्चे को टीचर ने पेंटिंग करने के लिए कहा था एवरी पर्सन इन द रूम वॉज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू द स्किट यानी क्लासरूम में जितने भी बच्चे मौजूद थे इट्स मे बी एनी नंबर फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी और थर्टी सभी लोग तैयार थे स्किट में पार्ट लेने के लिए सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिवस ऑफ नंबर बिकॉज यू मे फाइंड मैनी सेंटेंसेज वेयर यू विल गेट दीज टाइप ऑफ वर्ड्स सो यू हैव टू मैंशन कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं और ये उसकी किस कैटेगरी का है सो वी हैव लर्न अबाउट दिस फोर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर

यानी जो भी आंसर आप देंगे वो सभी आंसर यानी ईच वन हर एक आंसर फाइव पॉइंट्स का है दे इन्जॉयड एवरी मिनट ऑफ द फिल्म जो फिल्म वो देख रहे थे उसका हर एक मोमेंट एवरी मिनट यानी जितने भी मिनट की वो मूवी थी एवरी मिनट दे इन्जॉयड दिस मैगजीन हैज़ ए न्यू इशू एवरी वीक इस मैगज़ीन की एक नई इश्यू यानी इसका एक जो सीरीज़ होते हैं मैगज़ीन्स के कुछ मैगजीन की सीरीज़ होती हैं वीकली मंथली और ईयरली सो दिस मैगजीन हैज़ अ न्यू इशू एवरी वीक यानी एवरी वीक इस मैगज़ीन की न्यू सीरीज़ इंट्रोड्यूस होती है ऑल स्टूडेंट्स मस्ट बी ऑन टाइम ऑन ईच डे यानी हर एक दिन सभी स्टूडेंट्स को टाइम पे आना ज़रूरी है ईच डे जिस दिन स्कूल रहती हैं दो ऑल डेज आट मीन्स ईच डे जितने भी स्कूल जितने भी दिन स्कूल ओपन रहती है उतने दिन सभी स्टूडेंट्स को टाइम पे आना है ईच ऑफ द टू बॉयज प्रॉमिस टू कम्प्लीट वर्क क्विकली दोनों जो टू बॉयज थे दोनों ने प्रोमिस किया ईच ऑफ द टू बॉयज कि हम अपना वर्क जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे एवरी चाइल्ड हु पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन रिसीव अ प्राइज यानी जितने भी बच्चे क्लासरूम में हैं या स्कूल में हैं या जिसकी बात की जा रही है वो जितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे कॉम्पिटिशन में उन सबको प्राइज मिलेगा यानी एक नंबर तो है ही अब यहाँ हमें स्पेसिफिक नंबर नहीं पता बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर यूज़ द करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ़ नंबर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स टू इन द ब्लैंक्स नाउ हियर यू आर गिविन आ हेल्प बॉक्स और इसकी हेल्प से हमें आंसर्स को फिल करना है इन गिवन ब्लैंक्स में आई स्टूड थर्ड इन द रेस मैं रेस में थर्ड आया नीदर बुक कंटेन द करेक्ट आंसर मेरे पास जितनी भी बुक्स हैं उनमें से किसी में भी करेक्ट आंसर नहीं है विल ईदर वन ऑफ यू हेल्प मी विद द प्रोजेक्ट सामने दो या तीन बच्चे हैं तो ये कह सकते हैं कि ईदर ऑफ यू यानी आप में से कोई एक मेरी हेल्प कर सकता है प्रोजेक्ट में अ बेकर्स डजन देर आर थर्टीन लोव्स ऑफ ब्रेड बेकर की शॉप में थर्टीन लोव्स ऑफ ब्रेड है हम देखते हैं आप लोगों ने अभी देखा है कि जैसे पैकेट में ब्रेड होती, होती है वो स्लाइसड होती हैं पर स्लाइस करने से पहले अब जो वो पूरा बन होता है दैट इज़ नेम डाजन लोफ एल ओ एफ और उसका प्लोरल है लोफ्स दैट इज़ एल ओ ए वी ई एस ईच बॉय वॉज वेयरिंग अ कैप वहाँ जितने भी बॉयज़ थे उनमें से सब ने कैप पहन रखी थी एवरी कैप हैड अ डिफरेंट डिज़ाइन हर एक कैप की डिज़ाइन डिफरेंट थी यानि वहाँ जितने भी बॉयज थे उन सब ने कैप पहनी थी बट एवरी कैप हैड अ डिफरेंट डिज़ाइन द एप्पल ट्री इज़ लाडन विद सो मेनी एप्पल दिस ईयर लास्ट ईयर वी गॉट जस्ट अ फ्यू एप्पल इस बार ये एप्पल ट्री जो हम देख रहे हैं एप्पल से भरी हुई हैं लैडन मीन्स मतलब उस ट्री पे बहुत सारी एप्पल्स ग्रो हुई हैं लास्ट ईयर हमें बहुत कम एप्पल्स मिले थे यानी फ्यू एप्पल्स दिस इज एडजेक्टिव ऑफ़ क्वान्टिटी अगेन यहाँ पे स्पेसिफिक नंबर नहीं है बट इट इज़ द एडजेक्टिव ऑफ नंबर बिकॉज इट इज़ रेफरिंग टू अ सर्टन क्वान्टिटी आज हम यहीं तक करेंगे हमारा चैप्टर आप जो एक्सरसाइज मैंने आपको बुक में करवाए हैं यू विल डू इट इन द बुक इथ सेल पेज नंबर एटीन हैव अ लुक दिस वे इन अ नीट एंड टाइटिंग मैनर यू विल डू योर वर्क जैसा कि मैंने बताया है आप जितनी बार भी वर्क करेंगे उस दिन की पर्टिकुलर डेट को आप मेंशन करेंगे यू विल मेंशन डेट ऑन एवरी पेज एज वी डू एवरी टाइम मैं हर बार आपको ये सेम इंस्ट्रक्शन देती हूँ प्लीज़ फॉलो इट स्ट्रिकली इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू मैंशन द डेट सो दैट जब हम रिकॉल करें तो हमें याद रहे कि ये पर्टिकुलर वर्क हमने किस डेट पर किया था सो दीज आर द फाइव एक्सरसाइजिज यू हैव टू कम्प्लीट दिस इज़ योर होम वर्क फॉर टुडे आई होप आपने जो फर्स्ट टू चैप्टर्स हैं हमारे दैट इज सेंटेंसेज एंड नाउन्स उन्हें भी प्रॉपर्ली रिवाइज किया होगा हमारे नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर जब तक हमारे चैप्टर पूरा नहीं होता कीप रिवाइजिंग एंड डू प्रैक्टिस एट होम एज आई हैव इंस्ट्रक्टेड थैंक यू क्लास